वेलकम आरसीआई ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर 3 एंड नेक्स्ट टॉपिक इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीड को एक्सप्लेन कर रहे थे हम, स्पीड की डेफिनेशन हो गई। टाइप्स ऑफ स्पीड में 3 टाइप्स हमने पढ़ लिया था, चौथा टाइप है ये 4 टाइप्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। फर्स्ट था यूनिफॉर्म स्पीड, सेकंड था आपके पास नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और थर्ड था आपके पास एवरेज स्पीड। एंड नेक्स्ट नंबर 4 है आपके पास इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर देखा जाए तो स्पीड की जब भी बात आएगी तो इंस्टेंटेनियस स्पीड ही उसकी कैलकुलेट होती है, ठीक है। तो इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें ये न्यूमेरिकल्स इंस्टेंटेनियस स्पीड से ही होंगे। तो इसको थोड़ा सा मैं समझाता हूँ, फिर इसकी डेफिनेशन वगैरह देखेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, कोई भी आपके पास ये पाथ है ए टू बी में किसी पर्टिकुलर, आपका कोई भी पर्टिकुलर डिस्टेंस है, बहुत ही स्मॉल, वेरी स्मॉल डिस्टेंस है डेल्टा एक्स, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा एक्स, तो उसका टाइम इंटरवल होगा डेल्टा टी। ए से बी तक ट्रेवल कर रहा था, उसकी स्पीड थी, डिस्टेंस थी एक्स, और उसका टाइम था कंप्लीट यहां से यहां तक का टी, ठीक है। अब हमने कहा कि किसी पर्टिकुलर सेकंड पर टाइम, देखो ये तो हवर्स में है ए से बी। फॉर एग्जाम्पल, यहां से अगर हम बात करें दिल्ली जाना है, तो यहां से दिल्ली काफी दूर है, तो टाइम भी आवर्स में लगेगा। लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या कहती है, किसी एक पर्टिकुलर सेकंड में, बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसका जो रेशियो है, वो रेशियो है इंस्टेंटेनियस स्पीड। और एक बात और ध्यान दे लेना, मैंने अभी बताया आपको कि जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, जहां भी कैलकुलेशन आएगी स्पीड की, उसमें हम इंस्टेंटेनियस स्पीड को ही कैलकुलेट करते हैं। तो एक मैंने कहा कि ये तो देखो बहुत ही बड़ी डिस्टेंस होगी, हमने कहा कि किसी पर्टिकुलर किसी सेकंड पर, पर्टिकुलर सेकंड पे उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, वो जो डिस्टेंस आ रही है और जो टाइम इंटरवल है सेकंड वाला, सेकंड बहुत ही कम टाइम इंटरवल है, t = 1 सेकंड फॉर एग्जाम्पल, 1 सेकंड में उसने कितनी स्पीड, सॉरी कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की, उसका जो रेशियो है वो है इंस्टेंटेनियस। नाम से पता चल रहा, इंस्टेंट मीन्स जस्ट ए पर्टिकुलर स्मॉल टाइम इंटरवल, ठीक है, उसका जो रेशियो है वो है इंस्टेंटेनियस। तो डेफिनेशन देख लेते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड रेफर्स टू द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए स्पेसिफिक पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल ये स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, इफ डेल्टा एक्स डिस्टेंस इज ट्रेवल इन डेल्टा टी टाइम। डेल्टा एक्स क्या बेटा, डेल्टा एक्स इज दिस डिस्टेंस इंटरवल, द टाइम इंटरवल डेल्टा टी फॉर इट शुड बी वेरी स्मॉल, टाइम इंटरवल डेल्टा टी इट शुड बी वेरी स्मॉल, सो वी कैन राइट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। क्लियर, डेल्टा टी टेंस टू जीरो मीन्स डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड या फिर 0.001 सेकेंड, इट मीन्स डेल्टा टी इज टेंस टू जीरो। डेल्टा टी की वैल्यू अप्रोक्सीमेट किसके पास जा रही है, जीरो के। तो इसको मैथमेटिक्स की फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, डेल्टा टी टेंस टू, दिस साइन इज टेंस टू जीरो। क्लियर, तो ये जो टाइम इंटरवल है 0.001 सेकेंड 0.1 सेकेंड इज ए स्मॉल टाइम इंटरवल, सो इंस्टेंटेनियस स्पीड v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, ये लिमिट लगा दी बेटा हमने, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल एक्स बाई डेल टी, और डेल एक्स बाई डेल टी में जब भी हम लिमिट लगाते हैं, और लिमिट में डेल्टा टी जो है वो वेरी स्मॉल है टेंस टू जीरो, तो ये डेल्टा एक्स चेंज जाता है डी एक्स में और डेल्टा टी चेंज जाता है डी टी में। क्लियर, तो हमें किसी 0.01 सेकंड में
हमने स्टॉप वॉच लिया, उसमें डिस्टेंस को ट्रेवल, जो भी डिस्टेंस ट्रेवल की उसको काउंट करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, इसलिए इसका एक फॉर्मूला निकाला है कैसे कैलकुलेट करें। सो v इज इक्वल टू dx बाय dt, dx बाय dt द डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t इन x, आप डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। सो v इज इक्वल टू dx बाय dt, इफ द स्पीड इज कॉन्स्टेंट then the average speed and instantaneous speed both are same, किस condition में, if the speed is constant, अगर speed constant है बेटा तो time किसी भी particular time interval में उसका जो instantaneous speed आएगा वही उसका average speed वही आएगा, तो इस condition में both are same, constant किसमें, देखो if the speed is constant then average speed and instantaneous speed दोनों ही इक्वल आएंगे। क्लियर, एक एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, उससे समझाते हैं कि ये dx by जो dt है ये इसको कैसे, ये कहां काम आता है और यूज आता है ये बहुत, और जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो इसी से होंगे। क्लियर, फॉर एग्जाम्पल आपको डिस्टेंस दे रखी है इस फॉर्म में, x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू आपको दे रखा है 3t² + 2t, और ये कह रहा है कि t इज इक्वल टू 1 सेकंड में t इज इक्वल, ये क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू 3t² + 2t एक इक्वेशन है, t इज इक्वल टू 1 सेकंड के लिए आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट करनी है, इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट कर देंगे इसकी, ठीक। सो क्या करें बेटा, इंस्टेंटेनियस के लिए v इज इक्वल टू, वी नो दैट dx by dt, सो d ऑफ dt एंड x इज डिफरेंशिएशन आप पढ़ रहे हैं, x इज 3t² + 2t, सो v इज इक्वल टू 3t² 60 एंड 2t का डिफरेंशिएशन करेंगे 2, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए t इज इक्वल टू 1 सेकंड, सो v इज इक्वल टू 6 × t की जगह 1 एंड प्लस 2, सो v इज इक्वल टू 6 × 1 + 2, v इज इक्वल टू 6 + 2, सो v इज इक्वल टू 8 m/s। तो t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर इस कोई भी इक्वेशन के लिए इसकी वैल्यू आती है, स्पीड की इंस्टेंटेनियस स्पीड आती है आपके पास v इज इक्वल टू 8 m/s। सो जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे वो इंस्टेंटेनियस स्पीड से रिलेटेड होंगे, उनको ऐसे सॉल्व करना। क्लियर, कुछ और न्यूमेरिकल्स लेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो कमेंट करके पूछ लेना कुछ डाउट हो तो, ओके।